इसी बीच हम बड़ी खबर बता दें, इंडिया लाइंस का दोहरा शतक हो गया है। बड़ी खबर यानी कांटे की टक्कर है, रुझानों में 200 से ज्यादा सीट, इंडिया लाइंस 200 से ज्यादा सीट पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया लाइंस ने दोहरा शतक तो जरूर रुझानों में अभी लगा लिया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, सबसे सटीक नतीजे आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की है कि टक्कर कांटों की है, एनडीए वर्सेस इंडिया लाइंस। तो इंडिया लाइंस ने भी 200 से ज्यादा सीटों पर अभी बढ़त बना रखी है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी ये कहा जाए कि डगर आसान नहीं है, टक्कर पूरी मिलने वाली है। यानी कि एनडीए जो जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा था एनडीए का, और शुरुआत में इंडिया लाइंस थोड़ा पीछे था, लेकिन इंडिया लाइंस ने आप बढ़त बनाई है और दोहरा शतक जरूर है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी अभी आगे है, रुझानों में सभी सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चलते हुए। पिछली बार भी दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, इस बार देखिए अभी जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी 7 सीट पर अभी दिल्ली में आगे चल रही है। क्या कुछ हाल है सीट वाइज वो भी आपको मिनट टू मिनट अपडेट बताएंगे। और हम आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल जो अभी स्थिति है उसके मुताबिक बीजेपी 7 सीटों पर आगे। एक बार फिर से रुक करते हैं विभागा। बिल्कुल शिप्रा, तो इस बार 6 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं। सिर्फ एक मनोज तिवारी जो है वो अपनी सीट यहाँ पर सांसद के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए बचा पाए थे, और बदलाव किया गया। बदलाव का असर है क्या, हालांकि पहले टैली पर नजर दौड़ा लेते हैं, एनडीए की बात कर लेते हैं। 290 सीटों पर इस वक्त एनडीए अलायंस, सीधे तौर पर एनडीए को अगर हम जोड़कर देख लें तो वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए। इंडिया गठबंधन की बात कर लें, जिस दोहरे शतक की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल टाइट फाइट यहाँ पर चैलेंज। और चुनाव की बात करें, जब किसी के बीच दो प्रतिद्वंदी हों तो मुकाबला अगर बहुत साथ साथ चले तो इंटरेस्टिंग भी होता है, और ये इंटरेस्टिंग मुकाबला इस वक्त दिखता है। हालांकि अगर हम पाई चार्ट की बात कर लें तो यहाँ पर देख लीजिए एनडीए जिस केसरिया रंग में आपको नजर आ रहा होगा, 291 सीट पर इस वक्त जो ये संख्या है वो लीडिंग के तौर पर नजर आती है, रुझान है। INDIA की बात कर ले, 208 सीटों पर इस वक्त उसने भी रुझानों में अपनी बढ़त बना कर रखी है, और अदर्स 20 सीटों पर इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। इस बार के चुनाव में कई बड़ी चीजों की हमने चर्चा की, जिन पर देखा गया कि भाई चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जो बयान सामने आया वो बयान हैरान करने वाले भी थे और सोचने वाले भी थे कि भाई राजनीति में ऐसे बयान जो हैं वो जीतने के लिए या फिर लोगों के सामने कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के तौर पर दिए जाते हैं क्या, इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। और यहाँ पर जब हम बीजेपी की बात करते हैं, झारखंड में अपने अलायंस के साथ 11 सीटों पर वो इस वक्त लीड कर रही है। कांग्रेस अपने अलायंस पार्टी के साथ 3 सीटों पर, 14 की 14 सीटों के रुझान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और इन रुझानों की बात कर लें तो एक हेमंत सोरेन जब जेल गए तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक दबाव जो होगा लोगों के ऊपर इस बात को लेकर कि भाई कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया तो एक सहानुभूति वाला वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन वो सहानुभूति वाला वोट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की चतरा सीट की बात कर लें, कालीचरण सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं, देख लीजिए ये बड़ी खबर। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जो हैं वो आगे।